लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण कार्ड भगवान परशुराम के नाम पर और ब्राह्मण कन्याओं को शादी में योगदान देने की बात कहकर की ब्राह्मण को रिझाने का प्रयास किया। कल शाम 5 बजे गांव शेखरपुर में अपने काफिले के साथ मनोज पांडे, विधायक जगराम पासवान और राकेश यादव, डॉक्टर श्याम दीप मिश्रा, विशाल श्रीवास्तव के साथ पहुँचे। इस मौके पर ग्रामवासी गण रामराज उपाध्याय, गुड्डू भैया ने सपा के साथ रहने के वादे भी किए। नहीं, कोई आज पहला मोह नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सभी वर्ग और जात के लोगों को सम्मान दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने इस प्रदेश की सबसे पहली सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई, अहिल्या बाई की लगाई, माया पासी की लगाई, वीरा पासी की लगाई और परशुराम जयंती भी आज से 15 साल पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने शुरू किया। समाजवादी पार्टी के ही नेता ने माता प्रसाद पांडे जैसे हमारे समाज के प्रमुख लोगों को स्पीकर बनाया विधानसभा में, अशोक वाजपेयी से लेकर के, और अगर आप देखें तो पार्टी की जो सेकंड लीडरशिप हुई वो आदरणीय छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र जी रहे। अगर हम देखें तो पंडित कुलभूषण तिवारी जी इसी पार्टी में 6 बार सांसद रहे। अगर आप देखें इतिहास उठा करके कामेश्वर उपाध्याय जी, रंभा शंकर त्रिपाठी जी, मनोज पांडे जी, शिवाकांत ओझा जी, इस तरह के तमाम नाम है जिनको समाजवादी पार्टी ने आज कोई वोट के लिए नहीं, ये बहुत पहले से समाजवादी पार्टी समाज को सम्मान देती रही है। और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस चीज को आज प्रश्न कर रहा है कि परशुराम जयंती पर अवकाश तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने किया, वापस किसने लिया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, उन्होंने अपनी सरकार में वापस किया, तो ब्राह्मण का सपोर्टर कौन हुआ? समाजवादी पार्टी हुई कि कोई अन्य पार्टी हुई? बलरामपुर से संवाददाता अनिल शुक्ला की रिपोर्ट।